आप चर्चा कराइए, ये विधानसभा दिल्ली के विषयों के चर्चा के लिए बना है, लेकिन अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए केजरीवाल जी बिना बात के मणिपुर का विषय लेके आ रहे हैं, जबकि दिल्ली की जनता पानी से त्रस्त है, सीवर लाइन के जाम से त्रस्त है, सड़कों की हालत खराब है, यमुना नदी गंदी है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, डीटीसी बस की कमियां हैं, अनेकों मुद्दे हैं दिल्ली से संबंधित जिसपे ये चर्चा नहीं कराना चाहते। और रूल 55 के तहत मैंने दिल्ली के शीस महल के इशू को सदन में उठाया था, मैंने रूल 55 के तहत चर्चा मांगा था, लेकिन इन्होंने इस रूल 55 पे चर्चा कराना उचित नहीं समझा और दिल्ली से बाहर के इशू को ये लेके आ रहे हैं जो कि अलग विषय है। कहीं ना कहीं नरेश बल्यान के इशू पे हमने कहा कि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, एक गैंगस्टर्स के साथ मिलके वो वसूली का काम कर रहे हैं, उन पे चर्चा कराइए, लेकिन उसके लिए भी वो तैयार नहीं हुए और मुझे मार्शल आउट कर दिया गया। बिल्कुल हाँ, क्योंकि मेरा इशू मैंने लिखित इशू दे रखा था और इसी इशू को वो उठाना नहीं चाहती थी, और जब मैंने बार बार प्रेस किया कि आप रूल 55 में दिल्ली के मुद्दों का चर्चा कराइए, तो उन्होंने मार्शल आउट कर। यहाँ पर पूरी तरह केजरीवाल जी हिटलरशाही कर रहे हैं, केजरीवाल जी दिल्ली की सरकार में विपक्ष की आवाज को दबा रही है और ये सत्तारूढ़ दल पूरी तरह से नियम और कानून को धता बता रहा है और इसलिए हमने वॉकआउट किया। हमारा कह रहा है शीश महल के बारे में जब हम बात करते हैं उसको दबा दिया जाता है, शीश महल पर चर्चा करो, हम शीश महल पर चर्चा की मांग कर रहे थे। हम उनका एक विधायक जो है वो फिरौती में और एक्सटॉर्शन में सामने है, उसका नाम आया नरेश बालियान का, उस पर हम चाहते थे चर्चा हो, दिल्ली के विषयों पर हम चाहते हैं चर्चा हो। उन लोगों ने जो आपत्ति की, डिप्टी स्पीकर ने जो आपत्ति की, आप लोगों ने कहा कि मणिपुर हमारे लिए मुद्दा नहीं है, उन्होंने कहा देश के घर के लिए मुद्दा। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा इस असेंबली के परव्यू का वो मुद्दा नहीं है, वो पार्लियामेंट में उसकी बात हो चुकी है, हमने ये कब का मुद्दा, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है, गृह मंत्री जी ने खुद कहा है। आपके चार साथियों को सस्पेंड किया गया तो आप लोग वॉकआउट कर रहे हैं विरोध? जी बिल्कुल। तो आज के दिन आप लोग अब सदन में नहीं आएंगे? जी नहीं, ये यहाँ पर बोलने वाले हैं 4 बजे, तो आप लोग हमने विरोध स्वरूप किया है क्योंकि सदन का में जो सदन के नियम कानून का उसका उल्लंघन कर रहे हैं और जो मामले इस सदन के प्रव्यू में नहीं आते उस पर वो सिर्फ एक राजनीतिक प्रपंच करना चाहते। हम लोग दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे, दिल्ली में विधानसभा सत्र जहां 7-8 दिन का बुलाना चाहिए था, प्रश्नकाल रखना चाहिए था, सिर्फ 2 दिन का सत्र बुलाया गया और 2 दिन के सत्र के भी दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, दिल्ली विधानसभा में मणिपुर के ऊपर चर्चा होगी। हमारा ये कहना है कि दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा कीजिए, शीश महल पर चर्चा कीजिए, दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार पर चर्चा कीजिए, दिल्ली में DTC की बसों के हालात पर चर्चा कीजिए, दिल्ली के स्कूलों पर चर्चा कीजिए। सरकार इन मुद्दों से भाग रही थी और सरकार ने मणिपुर पर चर्चा शुरू कर दी, हमने उसका विरोध किया। हंगामा हुआ क्योंकि आप लोगों ने बोला कि मणिपुर हमारे लिए मुद्दा नहीं है, सत्ता पक्ष का कहना? हमारा ये कहना है कि पहले दिल्ली के मुद्दों पर तो चर्चा कीजिए। दिल्ली के 3 करोड़ लोग दिल्ली विधानसभा से उम्मीद रखते हैं कि दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा हो। आप दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा कर नहीं रहे और उन मुद्दों को खत्म कर आप मणिपुर पर चर्चा शुरू कर रहे हैं, हमने इसका विरोध किया। आज आप मार्शल आउट कर देंगे 8 में से 4 एमएलएज को, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से दिल्ली के मुद्दों के ऊपर बात करने से ये सरकार कहीं ना कहीं बच रही है। आज हमने ये कहा कि मणिपुर का मामला मणिपुर की विधानसभा लोकसभा में चल रहा है, दिल्ली से संबंधित मामलों को दिल्ली की विधानसभा में उठाया जाना चाहिए, जैसे कि शीश महल और एक नया काम अभी हुआ है, नरेश नाम का एक जो हमारा विधायक है वो एक गैंगस्टर जो कि विदेशों में रहता है उसके साथ मिलकर जबरन वसूली जो कर रहा है, उस मामले को भी सदन को संज्ञान लेकर उसके ऊपर बहस की जानी चाहिए। आप लोगों, लेकिन यहाँ पे मणिपुर पे चर्चा हो रही थी, वहाँ पे नारे लग रहे थे, जो दुर्गेश पाठक ने नारे लगाए बाकी लोगों ने कि BJP के राज में, मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में, आप लोगों ने उस पर विरोध किया। सवाल ये है कि जो मामला जिस स्टेट का है या पार्लियामेंट का है उसका दिल्ली से तो कोई लेना देना नहीं, दिल्ली की पहली प्रायोरिटी दिल्ली से संबंधित मामलों की है। आप उसकी कॉस्ट पे
उसको डाइवर्ट करने के लिए जब इस तरह का प्रयास करते हैं तो इससे दिल्ली के जो नागरिक हैं उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनसे कहीं ना कहीं आप मुंह मोड़ रहे हैं। आप लोगों की तरफ से कई सारे मामले रखे गए, डिप्टी स्पीकर ने कहा कि यूपी के सदन में भी इस पर चर्चा हुई है, तो दिल्ली में क्यों नहीं चर्चा हो सकती है? देखिए, हम दिल्ली विधानसभा के सदस्य हैं, हम ये कह रहे हैं दिल्ली की जनता की जो बेसिक ज़रूरतें हैं आप उनके ऊपर चर्चा कीजिए। वो कहते हैं हम दिल्ली के लोगों के विषय में चर्चा नहीं करेंगे और मणिपुर, यूपी, हैदराबाद की चर्चा करेंगे। तो ये सदन यूपी, हैदराबाद, मणिपुर के लिए नहीं है।